गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो आज मैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जो कि है ओमेगा 3 के ऊपर. उसको आप फिश ऑयल भी कहते हैं बहुत लोग, और बहुत लोगों को ओमेगा 3 के बेनिफिट्स भी पता होंगे कि ओमेगा 3 इनटेक करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक बंदे के लिए जो कि आई गेस 18 अबव है. जैसे कि मैं लेती हूँ ओमेगा 3, मेरा भाई लेता है जो कि अभी 25 ईयर्स का है, मेरी मॉम लेती है, मेरे डैड लेते हैं. तो मेरे घर में सबके सब ओमेगा 3 का इनटेक करते हैं. और ओमेगा 3 जो है ये लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले तो मैं ये वाला ओमेगा 3 यूज़ करी हूँ. ये है ट्रू बेसिक्स का ओमेगा 3 फिश ऑयल. ओके, सो ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 इज एन एसेंशियल पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि आपकी बॉडी को स्मूथली रन कराने के लिए काफी काम करता है. बट ये जो ऑयल है, जो ओमेगा 3 है, फिश ऑयल जो है, ये आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है. ये आपको लेना पड़ेगा. आप फूड के थ्रू भी लेते हैं, जैसे कि फिश में होता है, फिश ऑयल है, फिश में होता है, फ्लैक्स सीड्स में होता है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. सो आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें भी आपको रिसीव होता है, तो उससे भी आप लेते हैं. बट मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप कैप्सूल इनटेक कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप रेगुलर फिश नहीं खा सकते, आप रेगुलर जो है डेयरी प्रोडक्ट नहीं इनटेक करते हैं. आप फ्लैक्स सीड आपको रेगुलर आप लेना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है. मैंने बहुत बार ट्राई किया है. मैं 5 डेज रेगुलर करती हूँ, 6th डे मैं भूल जाती हूँ. बट आपको जो ये फिश ऑयल होता है ये आप एक दिन में एक कैप्सूल ले, आपकी बॉडी के लिए सफिशियंट है 1 कैप्सूल. सो मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ कि आपको क्यों लेना है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इन कैप्सूल्स को लेने से. सबसे फर्स्ट तो आ जाता है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है. आप ऑयली चीज़ें खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, घर में आप कचौड़ी वचौड़ी खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है. तो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में काम करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम करता है, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी काम करता है ये. और एक और सबसे मेन जो कि गर्ल्स के लिए, अगर गर्ल्स वीडियो देख रही हैं, वैसे तो मेरी वीडियोज़ गर्ल्स ही देखती हैं, तो अगर गर्ल्स देख रही हैं तो मैं बता दूं आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में काफ़ी हेल्प करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. और सबसे लास्ट जो है वो है पेन. आपकी बॉडी में जॉइंट पेन है, आपके एल्बोज पेन करते हैं, आपके नीज में पेन हो रहा है, आपके बैक में पेन हो रहा है, अगर आप जिम जाते हैं या अगर आपकी एज ज़्यादा है तो भी आपको अगर पेन होता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं. ये आपके बॉडी में जो पेन है उसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है, जो आपके जॉइंट पेन्स होते हैं उन सबको भी. सो इसका नेम जैसे कि ओमेगा 3 है, तो इसके अंदर 3 फॉर्म्स ऑफ ओमेगा डले हुए हैं. 3 फॉर्म्स जो है वो है ALA, 2nd है EPA एंड 3rd है DHA. तो इसमें 3 टाइप्स के ओमेगाज डले हुए हैं जो कि आपके हार्ट, जॉइंट, आइज, स्किन, ब्रेन सबके लिए ही वर्क करते हैं. सबका जितना अलग अलग पोर्शन में इस एक कैप्सूल में एडेड है. एंड ये जो है ये इसमें आपको 60 सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स मिल जाती हैं. ट्रू बेसिक्स का ही मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मुझे इस ब्रांड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है. काफ़ी टाइम से मैं इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. मेरा ब्रदर जो है वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ट्रू बेसिक्स के यूज़ कर रहा है, तो इस ब्रांड पे टोटली ट्रस्ट है. हेल्थ कार्ड की तरफ से है ये ब्रांड ट्रू बेसिक्स. एंड जो इसकी क्वालिटी होती है वो अमेजिंग होती है अगर अदर ब्रांड से कंपेयर किया जाए, क्योंकि मैंने मेरे घर में लास्ट 4 ईयर्स से हम ओमेगा 3 सब इनटेक कर रहे हैं, तो जो क्वालिटी है कैप्सूल की और जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी इसका बेटर लगा हमें अगर हम देखें बाकी कैप्सूल से. क्योंकि जो मेरी मॉम के नीज़ में थोड़ा सा पेन होता है वो लास्ट 2 मंथ से बिल्कुल ही गायब है, तो वो भी मैं आपको बोलूँगी उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है. आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है. समर्स आ गई हैं. ओमेगा 3 जो होता है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ह्यूमन बॉडी के लिए. ये सप्लीमेंट्स आपको ज़रूर इनटेक करने चाहिए. ये आप अपने डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, बट इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लेने में कोई प्रॉब्लम हो. इसमें सिर्फ क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तभी आप तो आप इसको डॉक्टर से कंसल्ट करके इनटेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको वैसे भी इनटेक कर सकते हैं. तो ये FSSAI से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, ऐसे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 899 रुपीज़ का ये आता है. इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ. ओमेगा ट्रिग्लिसराइड जिसका जो इजी नेम है वो है फिश ऑयल जो कि फिश से आता है. देन है मिथा क्राइक्लिक एसिड जेलेटिन फूड ग्रेड इसके अंदर है. प्योरीफाइड वाटर है, हेमेक्टेंट समथिंग है. देन
फोम स्टेबलाइजर है, प्रिजर्वेटिव्स भी डले हुए हैं कुछ इसके अंदर. सो इंग्रेडिएंट्स जो है काफ़ी अच्छे हैं आपकी बॉडी के लिए. एंड यहाँ पे क्लियर मेंशन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा है, आइज के लिए भी काफ़ी अच्छा है. तो DHA जो होता है वो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग विजन इन एडल्ट्स और ऑप्टिमल विजुअल डेवलपमेंट. तो अगर आपको थोड़ी आईसाइट की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि विजन के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये. ओवरऑल जो है ये प्रोडक्ट आपके ब्रेन, बॉडी, स्किन, आईज, जॉइंट पेन, हर एक चीज़ के लिए अच्छा है. आपको सिर्फ एक टैबलेट लेनी है दिन में, चाहे आप वो रात को लें या दोपहर में लें, आप आफ्टरनून में भी लंच के बाद ले सकते हैं. मैं नाइट टाइम लेती हूँ इन कैप्सूल को, 1 कैप्सूल अ डे, 60 कैप्सूल आपको मिल जाएंगे. तो आपका ये आराम से 2 मंथ्स चल जाएगा 900 रुपीज़ का. इस टाइप के पैकेजिंग में आता है एंड यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए मिल जाता है. मैं आपको कैप्सूल की एक साइज़ दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप के साइज़ में ही आता है ये. जो बाहर की इससे पैकेजिंग होती है ये जेलेटिन की पैकेजिंग होती है, बहुत पतली सी होती है. तो जब आप इसे इंटेक करते हैं तो ये आपकी स्टमक में जाके आराम से खुल जाता है और जो उसका वर्क होता है वो करता है. सो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी ट्रू बेसिक्स के इस ओमेगा 3 को इंटेक करने के लिए. इसका लिंक मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. हेल्थ कार्ड की तरफ से है, ट्रस्टेड ब्रांड है. मैं बहुत टाइम से इस ब्रांड के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ले रही हूँ एंड आई होप आपके लिए वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रही होगी. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू, बाय.